बार फिर हम आ गए हैं हीरा मंडी। ये फूड स्ट्रीट है जो यहाँ की पुरानी फूड स्ट्रीट है, और हीरा मंडी से इसका ये ताल्लुक जो बन रहा है वो उस वक्त का है जब यहाँ पे शहंशाह किले में रहते थे। तो उन्होंने अपनी कनीज़ों के लिए और जो तवाइफें उनके पास परफॉर्मेंस देती थी वो इस तरह की उनकी हवेलियाँ थी, और यहीं पे उनके फिर जो बच्चे होते थे वो इनके पास तहजीब सीखने के लिए आते थे। तो ये जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं ये उस वक़्त की जो उनकी फेवरेट कनीज़ें या तवाइफें होती थी ये उनकी होती थी। आप थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे भी ये सारी आपको हवेलियाँ नज़र आ रही हैं, और ये बादशाही मस्जिद और ये हवेलियाँ हैं सारी, ये उन्हीं लोगों की हैं जो उस वक़्त के रिस्पेक्टेड कनीज़ें या तवाइफें होती थी। ये उनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। मस्जिद के बिल्कुल साथ किला है, किले के साथ ये फूड स्ट्रीट है, ये भी उन्हीं का इलाका था और ये भी उन्हीं का इलाका है। अच्छा, ये जो सारे इलाके हैं ये उन तवाइफों के होते थे जिनको प्रॉपर डांस और सिंगिंग आती थी, क्योंकि उन्होंने किले में परफॉर्मेंस देनी होती थी तो वो बाकायदा अपने उस्तादों से सीखते थे। अच्छा, अब हम थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ। ये बादशाही मस्जिद है, फूड स्ट्रीट है, और ये हम अंदर आ रहे हैं। ये देख लें, जू जू हम अंदर जाएंगे आपको उनकी कंडीशन से पता चलेगा कि यहाँ के रहने वाले कैसे थे। अच्छा, अब जो जो हम अंदर जाते जा रहे हैं यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे घर हो गए हैं, और तंग गलियाँ भी हैं, बीच में एक इनका सहन होता है हवेलियों के बीच में, ये वो सहन है जिसमें इनके बच्चे खेलते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, इवेंट भी होते हैं, मुहर्रम में काफ़ी इवेंट होते हैं। और अच्छा, जैसे जैसे आप अंदर आते जाते हैं तो जो सेकंड क्लास की तवाइफें हैं उनका एरिया स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्लास मैंने आपको बता दिया, ये वो लोग थे जिनके पास शहंशाह के औलादें तरबियत लेने आती थीं और वो किले में रहती थीं और परफॉर्मेंस देती थीं और उनकी बकायदा तरबियत की जाती थी, यानी कि उनको कथक आता था, उनको गाना गाना आता था और वो इनकी महफिलों में परफॉर्मेंस देती थी। सेकंड क्लास जो हीरा मंडी की तवाइफों की है वो है जिनका ताल्लुक इतना डायरेक्ट बादशाह के महल से नहीं होता था, और वो बाकायदा ट्रेनिंग नहीं लेती है, यानी कि आप ये समझें कि वो बाय फैमिली कनीज़ें या तवाइफ नहीं थी। उन्होंने ये पेशा अडॉप्ट किया, सीखा और इस बाज़ार का हिस्सा बनी। ये जो आपको छोटे छोटी नज़र आ रही हैं ये छोटे छोटे हवेलियाँ ये उन लोगों की हैं, कुछ तो पुरानी हैं कुछ नहीं हैं, लेकिन अब हम बड़ी हवेलियों से छोटे साइज़ की तरफ आ गए।
अब हम जा रहे हैं जो इनकी थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी वाली तवाइफ़ें। उसकी तरफ जा रहे हैं अभी। मुझे एग्जैक्ट यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा। टिब्बी गली कहाँ से जाएंगे? टिब्बी गली वो थाने के पास वाली है ना? ये सीधा जाए आपके लेफ्ट साइड पे ना, बहुत एक नैरो सी गली है। अच्छा अच्छा, वहाँ से आप पीछे क्लियर नहीं हो सकता। वो जहाँ घोड़े शोड़े टांगे शांगे होते हैं वो आप आगे निकलते हैं, वो आप इसी रोड पर। अच्छा 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 अच्छा, आगे चौक आ जाएगा, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अच्छा, हम तो सीधा जाके राइट होना है कि लेफ्ट होना है? लेकिन अगर यहाँ से लंबा है, अगर आप इस तरफ से जाएं तो सीधा वो टांगों वाले से ना लेफ्ट हो जाए, वापस आ पाएंगे तो यहाँ पर। अच्छा, वो वाली बंद होगी, ये रनिंग है। हाँ ये अलिया, लेकिन वो आपका कैमरा देख कर ये भी वो दरवाजे को मुझे बंद कर देंगे। नहीं चले, कुछ नहीं होता। रिपोर्टिंग कर रही है भाई, यूट्यूब की वीडियो है। अच्छा, वीडियो बना रही है। लेकिन आप उनकी है सर, पूरा उससे मतलब करें वो टीका तो शायद वो आपने आ गए। चले, आपकी शॉप खुली हुई है ना अभी? खुली हुई है, वेलकम बोल रहा। अच्छा जी, इस वक्त जो मैं आपको कह रही थी कि थर्ड कैटेगरी उन तवाइफों की है जो डिफरेंट इलाकों से आके यहाँ आबाद हुए हैं। उनको डांस और गाना तो आता नहीं प्रॉपरली, लेकिन वो क्योंकि कुछ कर नहीं सकती, और कुछ को घर से निकाला हुआ होता है, कुछ यहाँ पे आके खुद जैसा कुछ करना चाहती हैं, उनको कोई और कबूल करता नहीं, तो वो यहाँ पे आके रेंट पे घर ले लेते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। ये म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट की शॉप है। यहाँ से भी आपको बादशाही मस्जिद नजर आ रही है। अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि ये वो इलाका है जो न्यू टिब्बी गली कहलाता है, जो पुराना टिब्बी गली है वो इतना बदनाम हो गया था बेचारा कि वो बंदी हो गया।
पटेल, शटर ब्राह्मण, शटर गरीब। यहाँ पे तो तिल्ले वाले जूतों की शॉप्स हैं और ये लेदर के जूतों की शॉप्स हैं। लगता है वो जो प्रॉपर्टी के लिए उनसे मिस हो गई है। पूछते हैं शायद किसी को पता हो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे वो टिब्बी गली किस तरफ है? ये अंदर जाने सीधा होटल के साथ अंदर गली जाए वो भी टिब्बी गली उधर करीब ही है। आगे रास्ता है, बाएं निकल सकते, इधर से जाके राइट। ये वो टिब्बी गली है जो इन वर्किंग है और मैं यहाँ के लोगों के फेसेस इग्नोर कर रही हूँ। काफी तंग जगह है। मुझे उन्होंने कहा जी यहाँ से आप निकल सकती हो, मैं जा ही जा रही हूँ और कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये वो थर्ड कैटेगरी वाली तवायफों का इलाका है, टिब्बी गली, जिसको बदनाम ज़माना भी कहते हैं, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं वो वर्ड्स कहना नहीं चाहती। ये देखिए पुराने स्टाइल का स्टेप बना, आर्टिस्टिक लग रहा है। यहाँ से बाहर कैसे जाना है? बाहर जाना है इधर से। अच्छा, इधर से बाहर से बोला नहीं है। और यहाँ आके वो आबाद हो गई हैं। बेसिकली उनका ताल्लुक यहाँ से नहीं है। छोटे छोटे कारखाने एज यूजुअल, काफी लंबी गली लग रही है ये।
बाहर ही रास्ता जा रहा है। अच्छा, इस गली में मैं पहली दफ़ा आई हूँ। जो पहले टीबी गली पे मेरी वीडियो थी वो ओरिजिनल टीबी गली थी। जब वो इलाका बंद किया तो यहाँ शिफ्ट हो गए। तो ख़त्म नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते कि हम इलाका बंद करेंगे तो वहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उन लोगों को आता ही यही है तो उन्होंने करना ही यही है, वो सिर्फ शिफ्ट कर जाएंगे कहीं और, लेकिन ख़त्म नहीं होता। यहाँ से हम बाहर आ रहे हैं।